फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं आपको ऐसे टाइप के स्केल्स से फैमिलियर कराऊंगा कि जिनमें बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स हैं। जब आप उनकी प्रैक्टिस मेजर स्केल की प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। आगे जाके मैं बताऊंगा किस प्रकार उसका आपको फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। मेजर स्केल्स आप सब लोग प्ले करते हैं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो भी आप मेजर स्केल ज़रूर प्ले करते होंगे, स्केल प्रैक्टिस में आप वही करते होंगे, लेकिन उसका सॉन्ग्स बजाने में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि इस लेसन को आपको ज़रूर ध्यान से देखना है और उसकी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है। बेसिकली ये होता है कि हम जब बाय ईयर किसी सॉन्ग को बजाने जाते हैं, इसका मतलब हमने सॉन्ग सुना और उसकी नोट्स हम ढूंढ पा रहे हैं खुद खुद से, तो उसके लिए हर वक्त इंडिविजुअल पिच को ढूंढना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो लॉन्ग प्रोसेस होगी। उससे अच्छा अगर आप वो सॉन्ग किस टाइप की स्केल में बना है ये महसूस कर पाएंगे तो आपको उस सॉन्ग के नोट्स निकालना इजी होगा। तो ये मैं आपको महसूस कराऊंगा, और वैसी स्केल जो आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपने आप आगे जा करके इस चीज़ में कॉर्ड्स निकालनी है, सॉन्ग के नोट्स निकालनी है, फीलर्स प्ले करने हैं, कुछ खुद से कंपोज करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप किसी भी लेवल पे होते हैं, बिगिनिंग लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, पियानो में, कीबोर्ड में, तो आपका इस आपको इसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भूषण म्यूजिक फाइल्स तो ज़रूर कीजिए और मेरे साथ सीखिए। सो बेसिकली मैं सी पर ये आपको डिस्कशन शुरू करूँगा, बाद में जैसे जैसे मुझे अलग स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है मैं अलग स्केल्स पे जाऊँगा। सो सी मेजर क्या होगा, हर कोई बजाता है। इसमें सबसे पहले इस स्केल में कौन से सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे हैं वैसे, अभी मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं मेजर टाइप स्केल, मतलब सारे स्वर शुद्ध। तो सी की बजाय अगर मैं एफ शार्प करूँ तो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, फिर ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ये सॉन्ग है। उसके अलावा एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हर सॉन्ग सिर्फ एक सिंगल स्केल पे आधारित नहीं हो सकता, ज़्यादातर आप इन सॉन्ग्स में मेजर स्केल मतलब सारे स्वर शुद्ध सुनते हैं। अब इसे कहते हैं, ये मेजर स्केल हुई, हमारा बिलावल जो थाट है वो इस स्केल के नज़दीक है। ये बिलावल राग नहीं बोल सकता बिकॉज राग बहुत बड़ी चीज़ है, डीप चीज़ है, खाली मैं सेट ऑफ पिचेस, सेट ऑफ स्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उस तरह से जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको वेस्टर्न स्टाइल में आयोनियन स्केल कहते हैं। अब हम आगे जाते हैं अलग स्केल पर, अलग टाइप की स्केल पर, जिसमें हम सिर्फ म को तीव्र करेंगे या कि या फिर फोर्थ शार्प करेंगे। सो अगर मैं सी मेजर बजाऊं तो इसमें जो फोर्थ है या फिर म है उसको मैं तीव्र करता हूं, मतलब फोर्थ को शार्प करता हूं एक सेमीटोन ऊपर। यमन राग के नोट्स ये हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, नाम गुम जाएगा, सेम फील आ रहा है, देखिए चेहरा ये बदल जाएगा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो ये जब सॉन्ग मैं सुनूंगा तो मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वो अगर मैं रोज़ किसी भी स्केल को लेते हुए, किसी भी सा को लेते हुए अगर सिर्फ म तीव्र करके रोज़ बजाऊं तो मैं वही फील लूँगा। मैं इस लेसन में ये आपको बताना, ये टेक अवे देना चाहता हूँ कि जब आप रोज़ सिर्फ सारे गा म पा धा नि सा, सारे शुद्ध स्वरों की बजाय ये चेंजेस करेंगे और महसूस करेंगे क्या फील होता है, तो आप जब भी उस स्केल पर आधारित सॉन्ग बजाने जाएंगे या फिर सुनेंगे तब पहले आप कहेंगे हाँ ये उस स्केल पर आधारित लग रहा है, तो क्यों ना मैं उन्हीं नोट्स को ट्राई करूँ। सा मिल गया, उसके भी अलग अलग मार्ग हैं सा मिलने के, लेकिन फिर भी मिलता नहीं बहुत बार, तो ये किसी भी सा के लिडियन टाइप या फिर म तीव्र वाला फील दे रहा है, ये हम महसूस कर सकते हैं। और आगे हमारा कॉर्ड ढूंढना, कंपोज करना, बाय ईयर सॉन्ग की मेलोडी बजाना, ये सब ईजी हो जाता है, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर।
अब उसी तरह और अलग अलग स्केल्स हैं, जैसे कि एक स्केल में ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल आता है, मतलब ग कोमल म प ध कोमल नी कोमल सा, सी मेजर में मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये होता है नेचुरल माइनर स्केल, वेस्टर्न स्टाइल में कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। अगर मैं ए नेचुरल माइनर बजाऊं तो मेजर में क्या होता है, ए मेजर, मैं ये नेचुरल माइनर करता हूँ, ग ध और नी को कोमल, मतलब एक सेमीटोन नीचे फ्लैट करता हूँ, थर्ड फ्लैट, सिक्स फ्लैट, सेवन फ्लैट, मतलब ग ध नी कोमल। अब इसमें हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, जान ये ध शुद्ध आ रहा है वो एक्सीडेंटल के तौर पे, या फिर बीच बीच में हम स्केल से बाहर जाते हैं, वैसी वाली बात है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, हा यहाँ पे लेते हैं नी शुद्ध सा, ये एक वैरायटी है, लेकिन ज़्यादातर हम इस स्केल में रहते हैं तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। फिर सी नेचुरल माइनर में, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, ये इस स्केल पर आधारित है। उसके अलावा बहुत सारे अलग सॉन्ग्स हैं, हम किसी और टाइप पे जाते हैं। एक ऐसा टाइप है जिसमें मेजर स्केल में सिर्फ सेवेंथ को फ्लैट करेंगे तो स्केल बनती है, जैसे कि ये मेजर स्केल है सी मेजर, इसमें मैं सिर्फ सेवेंथ को फ्लैट करता हूँ एक सेमीटोन नीचे, या फिर हम कह सकते हैं नी कोमल क्या, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का ये नी कोमल मह कहना, उस प्रकार मुसा ये नीचे लेते हैं हम, ए मेजर से मैं ए मिक्सोलिडियन पे आता हूँ, मतलब ए मेजर का नी कोमल, सारे गामा पधा नी सा नी कोमल करता हूँ। अब सुनते हैं स्केल को, ये आप मेरे साथ बजा रहे हैं ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, या फिर आप बाद में आकर के इन सारे टाइप ऑफ स्केल्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग सा के साथ। सरेगामा पधनी सा मुसाफिर हूँ यारों, फिर हूँ यारों, ना घर है सारे सनीध, मुझे चलते जा, जब नी कोमल सुन रहा हूँ मुझे वो फील दे रहा है कि मैं मेजर स्केल में नहीं हूँ, नी कोमल है, कुछ अलग फील आ रहा है। एग्जैक्ट क्या फील आ रहा है ये आप महसूस कर रहे हैं, तो ये आपका जो फील है वो आपको मदद करेगा सॉन्ग्स की ट्यून राइट हैंड से बजाते वक्त, कॉर्ड्स निकालते वक्त या व्हाटएवर। एफ मिक्सोलिडियन में, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, मस इतनी कोमल है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, ये सॉन्ग है। उसके साथ अलग अलग स्केल्स और बहुत सारी वैसे हैं, लेकिन अगली मैं बात करूँगा जो है फ्रिजियन स्केल, या फिर हम भैरवी के नोट्स उसमें आते हैं ऐसा कहते हैं, भैरवी राग नहीं, भैरवी के नोट्स सिर्फ। तो बेसिकली ई मेजर अगर मैं बजाऊँ तो ये है जी। अब अगर मैं रे ग ध और नी, ध्यान से सुनिए, रे ग ध नी इनको कोमल करूं, या फिर फोर्थ सेकंड थर्ड सिक्स और सेवन, फोर्थ नहीं सेकंड थर्ड सिक्स और सेवन इनको जब मैं फ्लैट करता हूं, मतलब एक एक सेमीटोन नीचे लाता हूं सबको, तो बनती है फ्रिजियन टाइप स्केल। कैसे सुनाई देगी, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, उसके अलावा चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे, ये बाहर का नोट है, मतिव्र बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन
ये होगा, या फिर एक सॉन्ग था बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं, मेरा फेवरेट सॉन्ग, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं, ये अलग रे शुद्ध आया, ये बाहर का है आता है, लेकिन ज्यादातर जो फील मुझे मिल रहा है वो मैं रेगुलरली इसके साथ अगर करूं तो मुझे वो फील महसूस होगा कि इस सॉन्ग में क्या फील आ रहा है और मैं उसे बजा सकता हूं, उसे कैच कर सकता हूं। वैसे और अनेक स्केल्स हैं, मैंने शायद कुछ मिस करे हैं, आगे किसी वीडियो में मैं वो सारे लेके आऊँगा या फिर उनमें से ज़्यादातर लेके आने की कोशिश करूँगा। अब लास्ट में आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है हर नोट को सा मानते हुए आपको मेजर स्केल तो आप बजाते हैं, 12 मेजर स्केल्स आते हैं, लेकिन 12 लिडियन स्केल्स आनी चाहिए, 12 फ्रिजियन स्केल्स आनी चाहिए, 12 मिक्सोलिडियन स्केल्स आनी चाहिए, 12 नेचुरल माइनर स्केल्स या एओलियन मोड कहते हैं जिसे, वो आने चाहिए आपको बजाने के लिए। तो रोज़ एक स्केल लीजिए, सी मेजर बजाइए, और इस वीडियो में मैंने जो कोई अलग अलग टाइप के स्केल्स आपको बताए हैं उन पे आइए, सी मिक्सोलिडियन, सी लिडियन, और उल्टा भी जाइए, बार बार उन्हें बजाइए, फील देखिए क्या आ रहा है, उसे महसूस करते रहिए। सी फ्रिजियन, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सेम फील आ रहा है। उस वक्त आप और एक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से उस सा को दर्शाने के लिए दो हाथ से आप ले सकते हैं सा को, नो कंपल्शन, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। तो मुझे लगता है इस लेसन से आपको जरूर ऐसा कुछ मटेरियल मिला है जो आप रोज प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मुझे बताइए आपको किस तरह वैल्यू ऐड करने वाला कंटेंट लग रहा है। मैंने कोई स्केल टाइप्स या सॉन्ग्स मिस किए होंगे तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जो आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर स्केल टाइप्स में हैं। पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। भूषण म्यूजिफाइज, ऑल द बेस्ट।